कैथल में अदालत ने एक बड़ा फैसला सुनाया है। बलात्कार के आरोपी को फांसी की सजा सुनाई है, मौत की सजा सुनाई है। मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी को अदालत ने मौत की सजा सुनाई है। 11 महीने पहले पड़ोस में रहने वाली बच्ची के साथ इस आरोपी ने, इस शख्स ने जिसको सजा सुनाई गई है मौत की, दुष्कर्म किया था, उसका बलात्कार किया था। दुष्कर्म करने के बाद आरोपी ने बच्ची को जलाकर उसकी हत्या कर दी थी। ग्रामीण और परिवार वालों ने आरोपी की फांसी की मांग की थी। ये तस्वीर आप देखिए, ये खबर काफी चर्चाओं में रही थी। फास्ट ट्रैक कोर्ट की तर्ज पर जिला अदालत ने फैसला सुनाया है। जिला अदालत के 34 साल के इतिहास में पहली बार फांसी की सजा सुनाई गई है। एक बड़ा फैसला कैथल जिला अदालत का। मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म और उसकी हत्या के आरोपी को फांसी की सजा सुनाई गई है, मौत की सजा सुनाई गई है। वीरेंद्र पुरी हमारे साथ, हमारे संवाददाता इस बड़ी खबर पर जानकारी के लिए और जुड़ चुके हैं। वीरेंद्र, ये बहुत ही सनसनीखेज वारदात सामने आई थी, चर्चाओं में थी, कोर्ट के फैसले की तारीफ भी की जा रही है और बड़ा फैसला है, और क्या कुछ जानकारी देंगे आप? देखिए नासिर, 11 महीने पहले जब ये जघन्य अपराध हुआ था और एक 7 साल की बच्ची को उसी के पड़ोसी पवन ने उसके साथ दुष्कर्म करके उसको झाड़ियों में जाके जलाकर मार दिया था, कहीं ना कहीं पूरे जिले में एक रोष था कि आरोपी को फांसी की सजा मिलनी चाहिए, और जिसको लेकर जो ग्रामीण थे उन्होंने प्रदर्शन भी किया था। तो आज ये ऐतिहासिक फैसला, और मैं कहूंगा कैथल जो जिला अदालत है उसके इतिहास में पहला ये फैसला है कि जिसमें किसी आरोपी को फांसी की सजा सुनाई गई हो, और इसके साथ ही साथ जो परिजन है उनको 30 लाख रुपए का कंपनसेशन जो है वो भी दिया गया है। कहीं ना कहीं लोगों में अदालत के प्रति एक मैसेज जरूर गया है कि अगर कोई अपराध करेगा तो उसको कहीं ना कहीं सजा जरूर मिलेगी। ना सिर्फ बिल्कुल, और ऐसी ही सजा मिलनी चाहिए इस तरह के जघन्य अपराध में, और इतनी जल्दी ही सजा मिलनी चाहिए। बहुत शुक्रिया वीरेंद्र इस पूरी जानकारी के लिए। 11 महीने पहले इस वारदात को अंजाम दिया गया था। एक मासूम बच्ची के साथ बलात्कार किया था पड़ोस में ही रहने वाले एक शख्स ने, और उसके बाद बच्ची की हत्या कर दी थी। आज अदालत ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। बताया जा रहा है कि कैथल जिला अदालत के 34 साल के इतिहास में यह फैसला सामने आया है कि किसी को फांसी की सजा दी गई है।